हो गया, या बी को अंदर रख दीजिए, इसका यूज हो जाएगा बाबू, इसका यूज आएगा, बी अंदर रहने दीजिए। तो रो निकाल दीजिए, जी निकाल दीजिए, रो जी निकाल दीजिए, एच तो अंदर ही चल जाएगा, बी भी रहने दीजिएगा, बी एच एन टू डी ए। चलिए यहां तक लिखिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, बी एच इंटू डी एच हो गया, बी एच इंटू डी एच हो गया। अब हम बी एच इंटू डी एच, हालांकि इसको तोड़े थे, हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं, रो है और जी है, बी इंटू डी ए भी लिख सकते हैं, बी इंटू डी ए, ये तो डी ए ही है ना जी, इसको तोड़ के बाद में लिखे थे, यही है। देखिए एक्चुअली में इसलिए तोड़े थे क्योंकि यहाँ डी ए अलग था, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया ना, एच इंटू डी ए होगा, एच इंटू डी ए, ठीक है ना, एच इंटू डी ए, इसको इसको मर्ज कर दीजिए बाबू, एच इंटू डी ए कर दीजिए, एच इंटू डी ए कर देते हैं। अब एच इंटू डी ए का स्पेशल हम लोग नाम जानते हैं, एक नोट करके लिखाता हूं बाबू, एच इंटू डी ए क्या है, एच इंटू डी ए क्या है, एक शब्द हम लोग पढ़े हैं, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट, एच इंटू डी ए। ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, एक मोमेंट, एक शब्द समझाता हूं बाबू तो आपको समझ में आ जाएगा, मोमेंट, मोमेंट, ठीक है, कोई एक्सिस है, एक्सिस है जिसे चारों घूम रहा है, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास अगर स्मॉल एम है, स्मॉल एम है, और इसका डेप्थ है, ये हाइट है अगर एच है, तो ये वस्तु, मतलब हम, मैंने ये कह रहा हूँ कि ये एक्सिस है, कोई वस्तु यहाँ से है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो क्या कहते हैं, मोमेंट हो गया आपका, ठीक है, मोमेंट हो गया, ठीक है ना, मोमेंट हो गया। तो ये कहेंगे ये वस्तु इसके चारों ओर क्या हो रहा है, इसको मोमेंट लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है। तो इसका मोमेंट कितना होगा, तो मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा बाबू, एम इंटू एच होगा, मतलब एरिया, मोमेंट ले लीजिएगा, एम इंटू एच हो गया। लेकिन चूंकि हम उसके टर्म में नहीं लिखते हैं, जनरली हम लोग एरिया के टर्म में लिखते हैं, तो मान के चलिए इसका एरिया ए है, इसका एरिया है और एच हाइट पे लग रहा है, तो मोमेंट जो होता था बाबू, एरिया हो गया इंटू एच, ये होता है मोमेंट, ठीक है, मतलब इस वस्तु का एरिया इंटू एच, इस वस्तु का एरिया और इतने हाइट पे लग रहा है, ये हुआ मोमेंट। कहने का मतलब है, यहां भी उसी ध्यान से देखे तो ये एच हाइट पे है और उसका एरिया डी ए है, ये भी तो मोमेंट हुआ, ये भी मोमेंट हो गया। मोमेंट कहने का मतलब सर, इस सेंस में बता दीजिए कैसे, यहां कैसे लग रहा है मोमेंट, यानी कौन किसके ओर घूम रहा है। बाबू देखिए, पानी यहां था, पानी यहां था, यहां था पानी, इसमें एक आपने इस टाइप से कुछ लिए थे, ये छोटा सा स्ट्रिप है, ये छोटा सा स्ट्रिप है, ये इस सरफेस से ये एच हाइट है, इसका एरिया डी है, तो यहां एक पॉइंट लिए थे उसके जगह पे डी है, तो बात बराबर हो गया, तो डी ए हाइट है और ये एच हाइट पे, यानी ये स्ट्रिप इस एक्सिस के, इस एक्सिस के फ्री सरफेस के एक्सिस चारों ओर घूम रहा है, ऐसे है ना, यानी ये समझ, ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, ये एक्सिस है, फ्री सरफेस है, ये यहाँ है, फिर यहाँ है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा है, चारों ओर चक्कर मार रहा है, मोमेंट है इस तरह से, एच हाइट फिक्स करते हुए, यानी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, मतलब इस हाइट से यहाँ से ऐसे, ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप है, ऐसे घूम रहा है, चक्कर मार रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये क्लियर है, तो यही इसका ये मोमेंट हो गया बाबू, ठीक है। तो कहेंगे, कहेंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे, मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रिप, मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रिप अबाउट फ्री एक्सिस, फ्री वाटर सरफेस, इस स्ट्रिप का, ये पानी का स्ट्रिप का, यानी इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के, यानी फ्री सरफेस के अलोंग घूम रहा है, यही इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ सरफेस, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो इसको इसे कह सकते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ, यानी इसको हो गया, ये इसको नाम दे दीजिए, इसको हम बता देते बाबू, इसका क्या हो गया बाबू, एच इंटू डी ए क्या हो गया, मोमेंट लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, इसका मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, अबाउट फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, अबाउट फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये हो जाता है। हालांकि इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है,
इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्री सरफेस ऑफ वाटर बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये तो चूंकि पूरे बॉडी का है, ये पूरा बॉडी का, ये तो स्मॉल स्ट्रिप लिया है, ये हुआ स्मॉल स्ट्रिप का, लेकिन आप इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो पूरा बॉडी का हो गया ना। तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बराबर करके, ठीक है, इसको बराबर करके लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे बॉडी का लेना है तो पूरे बॉडी का मास जहां कंसंट्रेटेड वो डिस्टेंस ले लीजिए, आप पूरे बॉडी का मास ले लीजिए। देखिए ना, ध्यान से पकड़िए, ये एरिया इनटू डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, एरिया इनटू डेप्थ का मल्टीप्लिकेशन। तो पूरा बॉडी के लिए एरिया तो यही ए हो जाएगा, पूरा बॉडी होगा उसका एरिया ए हो जाएगा, डेप्थ कौन सा लेना है, तो पूरा बॉडी का मास मान के चलते हैं कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इनटू एरिया, इनटू एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, यानी कहने का मतलब हुआ h बार इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, h बार इंटू ए। तो कहने का मतलब हो गया कि बाबू ये तो रो जी ही रह गया, इसके जगह पे h बार इंटू ए लिख देंगे। तो यहां से फॉर्मूला बन गया कि टोटल फोर्स बराबर रो जी h बार इंटू ए, ये लिख लीजिएगा, यही हो गया। एच बार इंटू ए कहाँ से है, ये मोमेंट से लेके, बाबू ये सब मैकेनिक्स का है, कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स अगर मजबूत है तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं कि कहाँ से आया है, ठीक है। ये सब इसीलिए बोला जाता है कि मैकेनिक्स मजबूत करिए, मैकेनिक्स मजबूत करिए, उसके पर्पस यही है। तो ये मोमेंट है, ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, ये मोमेंट किसका सरफेस एरिया, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये एरिया ना हो गया, ये प्रेशर हो जाए, ठीक है, ये एच है, तो P इंटू एच क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ प्रेशर, मोमेंट ऑफ प्रेशर, एरिया इंटू एच मोमेंट ऑफ एरिया, F इंटू एच लिखे मोमेंट ऑफ फोर्स, समझ रहे हैं जी, या इसको बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ, फर्स्ट मोमेंट एक है ना, फर्स्ट मोमेंट ऑफ प्रेशर, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर P इंटू एच स्क्वायर कर देंगे तो सेकेंड मोमेंट ऑफ प्रेशर ये हो जाएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ये सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। उसी तरीके से पी एच क्यू कर देंगे तो थर्ड मोमेंट ऑफ प्रेशर, थर्ड मोमेंट ऑफ एरिया, थर्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, इस तरीके से बाबू बढ़ते चल जाएगा। तो यही फर्स्ट मोमेंट बोलिए या जो भी है, फर्स्ट मोमेंट या मोमेंट जिसे कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग डेरिवेशन कर लिए, क्लियर है, डेरिवेशन हमारा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यानी याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल केस हो या वर्टिकल केस हो, दोनों में देखिए तो सेम ही ऑलमोस्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल केस में भी आपका एच स्टार जो एच था वही एच बार भी था, वही एच स्टार भी था, ठीक है। तो यही सेम प्रे हो गया फॉर्मूला, इस पर हम न्यूमेरिकल सब, पांच छह ठो न्यूमेरिकल सब करवाएंगे, अच्छा खासा न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब टोटल प्रेशर तो हम निकाल ली, अब हमको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ प्रेशर चाहिए, अब चाहिए सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर चाहिए। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए हम बाबू फिर फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं, एक ही केस, इसी केस में डिराइव करेंगे, नेक्स्ट केस में नहीं करेंगे आप, हालांकि इसका जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिएगा, बिल्कुल इस पर न्यूमेरिकल आना ही है, आपके एग्जाम में कन्फर्म है, ठीक है, उसे ये जाँच कर लेता है आगे वाला कि इस बंदा को आता है नहीं आता है, लड़का पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो सब जज कर लेता है, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर का, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी एच स्टार कितना डेप्थ पे है उसका हमको बताना है, ठीक है, एच स्टार कितने डेप्थ पे है तो ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इसके लिए यूज करिएगा, यूज यूज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है, इसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है बाबू, एक ऐसा चीज है, ये समझिए, ये यूनिवर्सल है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, एक यूनिवर्सल है समझिए, या लक्ष्मण जड़ी बूटी है, लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा नहीं कहे, लक्ष्मण रामबाण है कह सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो, तो ये सॉल्व कर देता है। थोड़ा मैं यहाँ इलुबरेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सब किए होंगे, प्रॉब्लम सब किए होंगे, जैसे कि सर ये है बांधा हुआ है, ये आपका एक रस ये है,
आपका कोई रॉड है, इस टाइप से रॉड है, ठीक है, रॉड है, ओके, रॉड है, इस पे यहां से एक हैंग किया हुआ है, यहां से एक सीलिंग है हैंग किया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से है कि सर यहां से नहीं नहीं यहां छोड़िए, हाँ ये है, इस टाइप से यहां कुछ मास है, यहां कुछ मास है, M1 है और यहां M2 मास है, कितने डिस्टेंस पे रस्सी से बांधा जाए कि इक्विलिब्रियम में रहे, कितने दूरी पर रस्सी से बांधा जाए कि इक्विलिब्रियम में रहे, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का ही प्रॉब्लम है। आप इसके कारण मोमेंट ऐसे लग रहा होगा, इसके कारण मोमेंट ऐसे लग रहा होगा, इसके कारण मोमेंट ऐसे लग रहा हो, तो इसको बैलेंस करिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का ये प्रॉब्लम सब है। सॉइल ये तो हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का या जो भी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, सेंटर ऑफ प्रेशर का भी जितना मैक्सिमम मतलब जहाँ फेल हो जाते हैं वहाँ सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए होगा, तो जहाँ फेल कर जाते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस्तेमाल कर लिएगा, ये आपका रामबाण है दे देगा। चलिए बता रहा हूँ, कुछ जो सॉइल मैकेनिक्स में अगर पढ़ रहे होंगे, जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़े होंगे, सिविल वाले पढ़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर में या कंपटीशन में पढ़ते हैं, तो देखिएगा कि यहाँ से मान लेते हैं इस टाइप से रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल है, पानी तो खैर ऊपर तक नहीं रहता है, रिटेनिंग वॉल है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक इस केस में पानी यहाँ है, इस केस में पानी यहाँ है, यहाँ तक है, मतलब एक साइड में पानी यहाँ तक है, दूसरे इस केस में यहाँ है, तो इस केस में पूछेगा पानी का लेवल, इसका टोटल प्रेशर यानी सेंटर ऑफ प्रेशर का, इसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा, यहाँ तक बनेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, आपका कुछ यहाँ तक इसका कुछ यहाँ से बनेगा, ठीक है, यहाँ से बनेगा, इस टाइप से यहाँ बनेगा, तो केस में है, इस केस में टोटल प्रेशर यहाँ कुछ अलग लग रहा होगा, इस केस में कुछ अलग लग रहा, तो इस केस में पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ प्रेशर बताइए, तो इस टाइप के प्रॉब्लम सबको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जाइएगा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो कहने का मतलब है ये पानी दे रहे हैं तो हाइड्रोस्टेटिक वाला केस हो गया, लेकिन अगर सॉइल मैकेनिक्स में सिविल वाले पढ़ते हैं तो इससे इसके पीछे तो सब मिट्टी रहता है, तो मिट्टी वाला भी कर, यानी तो एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्थ प्रेशर, ठीक है, अर्थ प्रेशर है, उसमें एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर पढ़ते हैं, तो यानी उस टाइप का भी उस सब्जेक्ट का पूरा प्रॉब्लम इसी से बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से बन जाएगा, सिविल वालों के लिए बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये मल्टीपर्पस यूज है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के लिए, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या है मैं बताना जा रहा हूँ, मतलब कहीं भी बाबू नेट फोर्स जीरो है, नेट मोमेंट जीरो है, और डिस्टेंस निकालने के बस एक याद रखिएगा, कोई भी वस्तु इक्विलिब्रियम में हो, हालांकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई भी डिस्टेंस निकालने के लिए हो, बस एक ये ध्यान रखिए बाबू, कहीं भी डिस्टेंस निकालना हो और वस्तु अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा दीजिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। चलिए तो मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के इस्तेमाल करते हुए, तो हमने ये देखा है क्या है कि यहाँ फ्री वाटर सरफेस है, फ्री वाटर सरफेस था आपका, कोई वस्तु इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस के द्वारा लग रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है मैं बता देना चाह रहा हूँ, पहले उस पर आने से पहले बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि पूरा बॉडी के द्वारा जितना भी फोर्सेस लग रहे हैं, मान लेते हैं बहुत सारा फोर्सेस लग रहे हैं, तो सभी बॉडी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स इनटू जो एच बार होगा यानी सेंट्रोइड, नेट फोर्स अगुने जो सेंट्रोइड का होगा, नेट टोटल फोर्स, नेट फोर्स अगुने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट जो होगा, इस दोनों के कारण जो मोमेंट होगा वो इंडिविजुअल के कारण होगा, एफ वन इंटू एच वन प्लस एफ टू इंटू एच टू प्लस एफ थ्री इंटू एफ एच थ्री एंड सो ऑन, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी आप ओवरऑल नेट फोर्स निकाल लीजिए, ओवरऑल नेट फोर्स के आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए या इंडिविजुअल करके निकाल, यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यानी तोड़ तोड़ के अगर मान के चलिए एफ वन लग रहा है उसका इंटू एच उसका सेंट्रोइड कर दीजिए एफ टू इंटू एच टू, इस तरीके से तोड़ते चल जाइए, यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। तो हम क्या कर देते हैं बाबू, एक पहले हम एक स्मॉल स्ट्रिप लिए थे, ठीक है, उसी स्मॉल स्ट्रिप पे हम लोग निकालते हैं, तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ एक्टिंग ऑन ए स्ट्रिप, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना था, तो मोमेंट हम पहले निकाल लेते एक स्मॉल स्ट्रिप के लिए, एक स्मॉल स्ट्रिप जो था हमारा, एक स्मॉल स्ट्रिप है, इस स्मॉल स्ट्रिप के द्वारा कितना मोमेंट लग रहा है, यानी डी एरिया है, ये एच हाइट पे था बाबू, ये डी एच हाइट पे था, एच प्लस डी एच हाइट पे है, तो ये इस स्ट्रिप के द्वारा कितना मोमेंट लग रहा है, इंडिविजुअल के लिए कितना लग रहा है, पूरे बॉडी के लिए कितना लग रहा है, हम उसे बराबर कर देंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स
बाय एन बाय ए, मोमेंट ऑफ फोर्स बाय ए, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ एक्टिंग, एक्टिंग, मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ एक्टिंग, एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्ट्रिप, एक्टिंग ऑन ऑन ए स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, ऑन ए स्मॉल स्ट्रिप, ऑन ए स्मॉल स्ट्रिप अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ फ्री, अबाउट अबाउट द फ्री फ्री वाटर सरफेस या फिर लिक्विड सरफेस, करिए लिक्विड ले लिए कोई जरूरी वाटर होगा, फ्री लिक्विड, लिक्विड सरफेस। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो डी एफ एन टू क्या हो जाएगा, हाइट एच है, एच हाइट है, तो डी एफ इंटू क्या हो जाएगा, यही मोमेंट हो गया, डी एफ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट एच हो गया। अब डी एफ के बाद डी एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या बाबू, रो जी, रो जी एच था, रो जी क्या है बाबू, डी एफ था कितना था, रो जी, रो जी एच, रो जी एच था, रो जी एच, रो जी एच प्रेशर हो गया इंटू डी ए था, ये था इंटू क्या हो गया, एच हो गया। देख लीजिए तो ये डी एफ के जगह पे हम इतना लिख दिए, रो जी प्रेशर हो गया, प्रेशर हो गया, और रो जी एच, रो जी एच प्रेशर हो गया इंटू एरिया कर दिए, एरिया कर दिया, फोर्स निकल गया इंटू ये वाला एच चला गया। चलिए यही हो गया हमारा, तो ये हो गया एक छोट एलिमेंट, इस एलिमेंट के द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा इस फ्री सरफेस के अलोंग कैसे घूम रहा, मतलब जो घूम रहा है वो कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इतना मोमेंट प्रोड्यूस कर, अब पूरे बॉडी के द्वारा कितना कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं सम ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट या टोटल मोमेंट्स भी लिख सकते हैं, या टोटल मोमेंट्स, सम मोमेंट या टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट्स, टोटल मोमेंट्स, टोटल मोमेंट्स, टोटल मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, ऑफ फोर्सेस, ऑफ फोर्स, फोर्सेस एफ, फोर्सेस एफ, फोर्सेस एफ, फोर्सेस एफ, फोर्सेस एफ एक्टिंग, एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन, ऑन होल, होल सरफेस, होल सरफेस, होल सरफेस, ठीक है। अबाउट, अबाउट ये लिखेगा, अबाउट फ्री लिक्विड सरफेस, अबाउट, अबाउट द फ्री लिक्विड सरफेस, अबाउट द फ्री, फ्री लिक्विड सरफेस, जो भी लिख लीजिएगा। तो टोटल मोमेंट क्या, उसको इंटीग्रेट कर दें, फ्री लिक्विड इंटीग्रेट कर दीजिए, रो जी एच डी ए इंटू एच, तो एच स्क्वायर कर दिए ना बाबू, दो दो एच है, दो दो एच है, तो एच स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां से तो टोटल मोमेंट यहां से हो गया बाबू, टोटल मोमेंट यहां से निकाल लीजिए, कांस्टेंट है रो जी बाहर निकाल लीजिए, बच क्या गया, एच स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। ये हो गया टोटल मोमेंट्स, टोटल मोमेंट्स, टोटल मोमेंट्स इतना निकला, पूरे बॉडी पे इंटीग्रेट करके आ गया, ठीक है, पूरे बॉडी पे इंटीग्रेट करके आ गया। अब हम बात करते हैं इस शब्द को, हम लोग थोड़ा देखते हैं ये बेसिक क्या है। तो ये है बाबू मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया को आई जी से करते हैं, या आई, आई रो हो जाएगा इनटू आई लिखते हैं, ठीक है, आई नॉट चलिए लिखते हैं आई जी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हुयर क्या है, आई नॉट क्या है, हुयर आई नॉट क्या है, आई नॉट बराबर यहाँ एच स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी ए को हम लोग लिखे हैं मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसके अबाउट, फ्री सरफेस बाबू, इसके अबाउट घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट, अबाउट फ्री वाटर सरफेस, अबाउट फ्री वाटर सरफेस, मोमेंट ऑफ इनर्सिया और फ्री वाटर सरफेस, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमने लिख दिया। तो अब कहने का मतलब क्या है, तो टोटल देख लेते हैं, नाउ नाउ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, 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 ये क्या कह रहा है कि नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स इनटू इनटू एच बार, टोटल फोर्स ले लीजिए गुने एच बार, एच बार, एच बार नहीं टोटल, या सॉरी इनटू एच स्टार, एच स्टार, इसके द्वारा जो फोर्स लगेंगे
इसके द्वारा जो मूवमेंट लगेंगे, टोटल जो मूवमेंट लगेंगे वो इंडिविजुअल के द्वारा लगे। तो ये इंडिविजुअल है ना, स्ट्रिप, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, तो टोटल इंडिविजुअल के द्वारा लगे। टोटल इंडिविजुअल कितना है, रो जी, क्या था बाबू, रो जी इंटू आई है, आई नॉट, ठीक है ना, आई नॉट है। तो टोटल फोर्स, टोटल फोर्स हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं तो टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स को क्या लिख सकते हैं, रो जी एच बार इंटू ए, ये हो गया टोटल फोर्स, टोटल फोर्स इतना आया था, इंटू एच स्टार बराबर हो रो जी आई डॉट हो गया। तो यहां से एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा रो जी आई नॉट, आई नॉट ये हो जाएगा रो जी एच बार हो जाएगा। तो रो जी कट जाएगा, तो यहां से एच स्टार बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई एच बार हो गया, ठीक है ना, यही हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब लेकिन बात है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसका है, ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ फ्री सरफेस अबाउट किस